अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल टेक्निक अल्फैसज। आज के वीडियो में मैं आपको एक लेटेस्ट जॉब के बारे में बताऊंगा जो कि नादरा के अंदर अनाउंसमेंट हुई है। इसके अंदर आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मैं आपको इसी वीडियो के अंदर मुकम्मल तरीकाकार सिखाऊंगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको जॉब के रिलेटेड वीडियोज़ मिलती हैं और आपको एक ही वीडियो के अंदर मुकम्मल तरीकाकार भी सिखाया जाता है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो इस जॉब के लिए आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद इंटरव्यू होगा और यहाँ पे आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। तो इसके अंदर आपकी सैलरी की बात करें तो 50,000 से लेकर 80,000 के दरमियान आपकी सैलरी होगी। उसके बाद टाइमिंग की बात करें तो आपकी सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक इसमें टाइमिंग होगी। और छुट्टी की बात करें तो आपकी 2 दिन यहाँ पे छुट्टी होती है। तो इसके अंदर आपने अप्लाई कैसे करना है इसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ, तो ये आप देख लें, ये इसका एडवर्टाइजमेंट है। इसको आपने डाउनलोड कैसे करना है वो भी तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो इसके अंदर जो पहली वैकेंसी है उसके लिए आप यहाँ पे 16 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो वैकेंसी है उसके लिए आप 23 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो आपने अप्लाई करना है वो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके लिए आपको वो शार्ट लिस्ट करेंगे, शार्ट लिस्ट करने के बाद आपका टेस्ट भी होगा और साथ में आपका इंटरव्यू होगा। तो ऊपर आप देख लें यहाँ पे असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर की ये पहली जॉब्स हैं जिसके अंदर आपको इसकी सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। जॉब के वाले से आप देख सकते हैं इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके बाद टर्म एंड कंडीशन, और आपको ये PDF भी मिल जाएगी। इसके अंदर भी सारी यहाँ पे जॉब के वाले से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने देख लेनी है। तो उसके बाद जो आप अप्लाई करेंगे वो आपने एक फॉर्म के जरिए अप्लाई करना होगा। इसी की वेबसाइट के ऊपर जाके उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बैग आएंगे, बैग आने के बाद आपने दूसरी वैकेंसी के लिए अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है, इसके लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको भी आपने व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो लास्ट डेट की बात करें 23 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने BS किया हुआ तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपको तालीम के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी लिखी हुई हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो इसकी भी आपको यहाँ पे PDF मिलेगी। PDF के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी सारी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, आपने इसको भी देख लेना है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता लग जाएंगी इसके टेस्ट के वाले से, इंटरव्यू के वाले से, और साथ में यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद जो आप अप्लाई करेंगे दोनों का सेम तरीकाकार होगा, जिसके अंदर आपने एक फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद आप इसके अंदर ईजी अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ दिनों के बाद फिर आपको ये शार्ट लिस्ट कर लेंगे। शार्ट लिस्ट करने के बाद आपकी फिर टेस्ट की डेट आएगी कि आपका टेस्ट कहाँ पे होगा, और टेस्ट देने के बाद फिर आपका दूसरे दिन वहाँ पे इंटरव्यू होता है। तो उसी तरह आपने यहाँ पे व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और ऑप्शन नज़र आएगा, अप्लाई नो, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा, सबसे पहले लोड होगा। तो उसके बाद फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ से आपने अप्लाई करना होगा दोनों वैकेंसी के लिए। ऊपर आप अपनी CV लगाएंगे जो कि आपकी PDF में होगी। 10 MB से ज़्यादा इसका यहाँ पे साइज़ नहीं होना चाहिए, आप इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसके अंदर आपने नाम लिखना है, उसके बाद फादर नेम लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जेंडर आपने यहाँ पे लिखना है, आप मेल हैं फीमेल हैं, आपने इसको चूज़ कर लेना है। तो उसके बाद आपने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है, उसके बाद कार्ड आपका जो यहाँ पे इशू हुआ था उसकी जो डेट है वो आपने बता देनी है, उसके बाद डोमिसाइल के बारे में बताना है, तहसील आपने बता देनी है। तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई वीज़ा है या नीचे आप नेशनलिटी रखते हैं किसी और मुल्क की तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उसको नो करके नेक्स्ट करेंगे। तो जब आप नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद नीचे आपको एजुकेशन के बारे में पूछेगा, आपकी डिग्री कौन सी है, कौन सी ईयर में आपने पास की है, आपके मार्क्स कितने थे, आपने वो बता देने हैं। तो बताने के बाद आपका अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद आपने कुछ दिन वेट करना है, और उससे पहले आपने एक काम मज़ीद यहाँ पे करना है कि आपने अपना स्टेटस चेक करना है कि आपका यहाँ पे अप्लाई हो गया या नहीं हो गया। इसके लिए आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा स्टेटस वाला, आपने उसके ऊपर क्लिक करके वो भी चेक कर लेना है। तो इसी तरह आपने दोनों के लिए अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद कुछ दिनों के अंदर यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि इसके टेस्ट कब से स्टार्ट हैं। तो उससे पहले मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ पर अपना स्टेटस भी चेक कर लेना है। उसके लिए आप ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा स्टेटस वाला, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, अपनी ईमेल देंगे। ईमेल देने के बाद आपने यहाँ पे अपना ID कार्ड नंबर देना है, उसके बाद IMNR रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करके आप इजी वहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ पे पहुँची है। तो साथ में आपको बता भी देंगे कि आपका टेस्ट है जो वो कहाँ पे होगा, कौन सी ब्रांच में होगा, और कैसे आपने जाके जो आपका करीबी नादरा ऑफिस है वहाँ पर आपने टेस्ट देना होगा। मैं भी आपको इसी चैनल के ऊपर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा, आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।